बहुत बहुत आशीर्वाद बच्चों, आप सब कैसे हो? जी हम सब अच्छे हैं। प्यारे बच्चों, अब हम चलेंगे दक्षिण भारत की यात्रा पर, जहां मिलेंगी आपको ढेर सारी ज्ञानवर्धक जानकारियां, साथ ही साथ हम रोचक तरीके से योग के अभ्यास करेंगे, जिससे हम होंगे चुस्त दुरुस्त और हमारा ज्ञान भी होगा उन्नत। बच्चों, हमारे आहार का हमारे मन और शरीर दोनों पर प्रभाव पड़ता है, इसीलिए आहार के बारे में सही ज्ञान रखना आवश्यक है। तो हमें आहार की जानकारी देंगे आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। खुश रहो बच्चों, यह है दीपिका बहन, और दीपिका अपने संग लेकर आई हैं रोचक कहानियां एवं कविताएं। नमस्ते, मैं हूँ चिराग और यह है रुचि। हम भी रहेंगे आपके साथ इस मजेदार यात्रा में। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपनी योग यात्रा पर। हाँ हाँ, चलते हैं। वाह, कितना बड़ा समुद्र। हाँ, और कितनी प्यारी लहरें। बच्चों, ये है प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कन्याकुमारी। यह हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का संगम स्थल है। बच्चों, कन्याकुमारी तमिलनाडु के दक्षिण तट पर बसा एक शहर है। ये शहर वर्षों से कला, संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक रहा है। यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा बेहद आकर्षक है, और यहाँ एक छोटा सा मंदिर है जो देवी पार्वती को समर्पित है। तो आओ इस सुंदर स्थान पर पहले करें एक छोटी सी वंदना। नदियाँ निशदिन बहती है, हमसे कहती रहती है, तुमको हर पल चलना है, ज्ञान दीप बन जलना है, जो आगे बढ़ता जाता है वही सफलता पाता है। सुने कहानी। अब दीपिका जी से सुनते हैं कहानियाँ। शुचि और रुचि एक ही कक्षा में पढ़ती हैं। एक दिन खेलते खेलते दोनों में झगड़ा हो गया। अगले दिन शुचि ने रुचि से बात करनी चाही, रुचि ने बात नहीं की। रुचि बोली, मेरी तुम्हारी कुट्टी है। इस बात पर अध्यापिका ने कहा, रुचि तुमने कल के कपड़े क्यों नहीं पहने? रुचि ने कहा, जी वे गंदे हो गए थे, वही पहनती तो खराब लगता। अध्यापिका ने कहा, फिर तुम कल की बुरी बात भूलकर शुचि से बात क्यों नहीं करती? क्या तुम्हें कल के झगड़े की बात अपने मन से नहीं निकाल देनी चाहिए थी? इस बात को सुनकर रुचि ने शुचि को गले से लगा लिया और वे फिर से अच्छी दोस्त बन गईं। अब बताओ इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें अपने दोस्तों की बुरी बातों को जल्दी भूलना चाहिए, मन में कभी कड़वी बात नहीं रखनी चाहिए। जिस प्रकार कपड़े गंदे हो जाने पर हम उन्हें साफ धोकर फिर से पहनते हैं, उसी प्रकार यदि हमारा मन किसी के प्रति मैला हो जाए तो हमें उसके प्रति बुरे विचारों को निकालकर अच्छे विचारों को रखना चाहिए। यही मन की शुचिता है। योग में आहार। मैं हूँ नन्ना सा चिराग, करता हूँ नित योगाभ्यास, सुबह सुबह पीता हूँ जल, इससे मिलता मुझको बल।
दिन को मट्ठा, रात को दूध, भोजन के बाद लेता जरूर। यह है मेरा प्रिय आहार, पाता हूँ मैं सबका दुलार। लाल पीले खट्टे मीठे, मन को बाते फल रसीले। गोपी गोलू मिलके लेते खट्टे मीठे फल रसीले। हरी भरी तरकारी दूर करे बीमारी। सूखे मेवे गुड़ मिश्री तन को देते शक्ति बड़ी। मूंग चना अरहर मसूर सोयाबीन मलका बड़ी मशहूर। गेहूं चावल बाजरा ज्वार यह सब है पौष्टिक आहार। तो यह था चिराग का पौष्टिक आहार। आप सब भी ऐसा ही पौष्टिक आहार लेना। अब हम आम और अनार के बारे में जानकारी लेते हैं, तो क्यों ना आम से ही उसके बारे में पूछें? आम, कुछ अपने बारे में बताओ। मैं हूँ आम रसीला। संस्कृत में है मुझको कहते पिक प्रिय आम्र रसाल। दोस्तों, मैं शर्करा और विटामिन्स से भरपूर हूँ। मैं सारे भारतवर्ष में मिलता हूँ। मेरी कई किस्में पाई जाती है। प्राकृतिक रूप से पका होने पर मैं ज्यादा स्वादिष्ट, पौष्टिक एवं शुद्ध होता हूँ। यानी मुझे पकाने के लिए किसी भी प्रकार की दवाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। मेरे प्रत्येक भाग यानी बीज, फूल, जड़, गुठली का औषधि के रूप में प्रयोग होता है। अरे, तुम तो बड़े गुणकारी हो, जरा अपने लाभ बताओ। यानी मुझे पका हुआ खाने से शरीर की वृद्धि एवं पुष्टि होती है। मुझे दूध के साथ लेने पर सारे विटामिन्स मिल जाते हैं। मुझे खाने से रक्त शुद्ध होता है। तो आओ अब आपको आम के लाभ के बारे में बताते हैं। बच्चों, जब पेट में कीड़े हो जाएं, तो आम की गुठली सुखाकर उसका चूर्ण खाने से आराम मिलता है। हाँ, जब कभी हमें कोई विषैला कीड़ा मकौड़ा दंश मार ले, तो आम की गुठली को घिसकर लेप करने से उनके विष को दूर किया जा सकता है। बच्चों, अब इस सुंदर से अनार से उसके विषय में जानकारी लेते हैं। मैं हूँ अनार अलबेला। मैं कहलाता हूँ संस्कृत में दाड़िम लोहित पुष्पम, और इंग्लिश में मुझे क्या कहते हैं? पोमोग्रेनेट। वेरी गुड। पाचक रस और विटामिन से भरपूर हूँ मैं। सारे भारतवर्ष में मिलता हूँ। मैं दो तरह का होता हूँ जी, खट्टा और मीठा। लोग मेरे फल, फूल, जड़ और कोमल पत्तों का औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ ये अलबेला अनार बड़ा फायदेमंद है। हाँ, तो अब आप सबको गुणकारी अनार के बड़े बड़े गुण बताते हैं। पके अनार का रस भूख बढ़ाता है, यह पाचन क्रिया को सही करता है और पेट के कीड़ों को नष्ट करता है, और इससे शरीर को ताकत भी मिलती है। अनार की चटनी खाने से पेट साफ होता है। पतले दस्त में अनार के फल की छाल का चूर्ण या कोमल पत्तों का रस पीने से लाभ मिलता है। शरीर में रक्त की कमी या एनीमिया को दूर करता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाता है। अब तो मैं इसके लाभ सबको बताऊंगी। आओ करें व्यायाम। अब करते हैं सरल व्यायाम, जो देंगे हमारी पीठ, गर्दन, कंधे, कोहनी, कलाई और अंगुलियों को आराम। सरल व्यायाम से शरीर में स्फूर्ति रहती है, साथ ही आसन करने में सहायता मिलती है। तो अब
शुरुआत करते हैं पीठ के व्यायाम से। सबसे पहले दंडासन में बैठ जाओ, यानी अपने पैर फैला दो। अब एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई पकड़ो। हाँ, ऐसे ही, बहुत अच्छे। फिर दोनों हाथों को सीधा ऊपर उठाओ। बच्चों, अब सांस को अंदर भरते हुए दाएं हाथ से बाएं हाथ को दाईं ओर सिर के पीछे से खींचो। ध्यान रहे गर्दन एवं सिर सीधे हो। पुनः सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को ऊपर ले जाओ। इसी प्रकार बाईं ओर से भी यही क्रिया दोहराओ। बाबा जी, इससे क्या लाभ मिलते हैं? इस व्यायाम से कंधा, पीठ तथा गर्दन की मांसपेशियां लचीली होती हैं। मांसपेशियों की कार्य क्षमता बढ़ती है। पीठ और गर्दन के दर्द व अकड़न दूर होती है। आओ बच्चों, अब करते हैं गर्दन के व्यायाम। सबसे पहले अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए बैठ जाओ। अब गर्दन को दाईं ओर झुकाते हुए दाएं कंधे से लगाओ। इसी तरह बाईं ओर झुकाते हुए बाएं कंधे से लगाओ। अब सामान्य स्थिति में आ जाओ। बच्चों, पुनः श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाते हुए ठोड़ी को सीने से लगाओ। फिर सांस को अंदर भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर झुकाओ। उतना ही झुकाओ जितना सरलता से झुका सको। ऐसा 5 बार दोहराओ। अब गर्दन को गोल गोल चारों दिशाओं में घुमाओ। इसी प्रकार विपरीत दिशा में भी घुमाओ। बच्चों, अब दाएं हाथ की हथेली को दाईं ओर कान के ऊपर रखो। अब हाथ से सिर और सिर से हाथ की तरफ दबाव डालो। सिर और हाथ स्थिर रखो, इससे कंपन होता है। इसी प्रकार दूसरे हाथ से भी करो। ऐसा 5 बार दोहराओ। आराम से। हाँ, अब दोनों हाथ की अंगुलियों को एक दूसरे में फंसाकर बांध लो। उसके बाद हाथों को सिर के पीछे ले जाओ। हाथों से सिर को तथा सिर से हाथों पर दबाव डालो। गर्दन तथा सिर सीधा रखो। ऐसा 5 बार दोहराओ। पर बच्चों, ध्यान रहे गर्दन के अभ्यासों को धीरे धीरे और शरीर को ढीला रखकर करना चाहिए। बाबा जी, इस व्यायाम से क्या क्या लाभ होते हैं? इससे गर्दन की मांसपेशियों में लचीलापन आता है एवं उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। और अब करते हैं कंधे और कोहनी के व्यायाम। सबसे पहले हाथों को मोड़कर कंधे पर रखो। कोहनी
कंधों के समानांतर रहे। अब कोहनियों को सामने मिलाते हुए गोल गोल घुमाओ। गोल गोल घुमाते हुए बड़ा सा शून्य बनाओ। हाँ, ऐसे ही। ऐसा आपको 6 बार करना है। अब विपरीत दिशा में भी गोल गोल घुमाओ। खूब गोल गोल घुमाओ। इसे भी 6 बार करना है। अब अंगूठे को अंगुलियों से बंद कर मुट्ठी बनाओ। हाँ, ऐसे। इसके बाद दोनों मुट्ठियों को आपस में मिलाकर अंदर की ओर गोल गोल घुमाओ। हाँ, ध्यान रहे कोहनियाँ सीधी रहें। ऐसा कम से कम 6 बार करना है। ऐसा ही हम दूसरी दिशा से भी दोहराएंगे। अब श्वास को धीरे धीरे अंदर भरते हुए हाथों को सामने की तरफ खोलो। उंगलियों की स्थिति ठीक वैसे ही रखो। फिर श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए पूर्व की स्थिति की तरह लगाओ। इसी प्रक्रिया को 8 से 10 बार दोहराओ। इससे क्या लाभ होता है बाबा जी? इस अभ्यास से एक ही स्थिति में काम करने वालों को बड़ा आराम मिलता है। जैसे लगातार पढ़ाई लिखाई या कंप्यूटर पर काम करने वाले, कंधों के जोड़ों की क्रियाशीलता बढ़ती है, पीठ और कंधों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। तो बच्चों, अपनी ये मजेदार यात्रा अब समाप्त होती है। आप सबको हमारा बहुत सारा प्यार। आज हमने क्या सीखा? मेहनत से क्या फल मिलता है? हाँ, बिल्कुल सही। बताओ हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही। नीचे दिए गए पेय किस समय लेना लाभकारी है? सही। नीचे दिए गए लाभों में से कौन सा लाभ अनार से मिलता है? बिल्कुल सही। आम और अनार के नाम अन्य भाषाओं में मिलाओ। कंधा और कोहनी के व्यायामों के लाभ बताओ। हाँ, बिल्कुल सही।